राशन कार्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले एक साल से राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा था। गरीब परिवार को बहुत नुकसान हो रहा था। गरीब परिवार को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए सरकार खाद्यान्न वितरित करती है, कम कीमत पर और कुछ मुफ्त। लेकिन सरकार की नई नीति के कारण सभी राशन कार्ड धारक ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों को अनिवार्य होने के कारण खाद्यान्न नहीं मिल रहा था, लेकिन अब कामटी तहसील कार्यालय खाद्य आपूर्ति विभाग ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसलिए इस ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य है, जिसमें सभी सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सभी सदस्यों की एक फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, लाइट बिल, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, गैस पुस्तक आवश्यक है। लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं की है, उन्हें आपूर्ति विभाग द्वारा तहसील कार्यालय में आकर प्रक्रिया पूरा करने का आह्वान किया गया है। मागच्या नियर अबाउट दीड ते दोन वर्षापासून ऑनलाईनचे कामं होत नव्हते। आता सध्या ऑनलाईनचे कामं सुरू झालेले आहेत। तहसील कार्यालय कामठी रूम नंबर 14 सर्व कामठी तहसीलच्या लोकांना माझी विनंती आहे, त्यांनी तहसील कार्यालयात रूम नंबर 14 येऊन आपले ऑनलाईनचे कामं करून घ्यायचे, जेणेकरून त्यांना प्रत्येक व्यक्तींचं राशन मिळेल। त्यांना नाव वाढ करायचे आहे, ते नाव वाढ करू शकतात। ज्यांना राशन कार्डामध्ये अजिबात राशन मिळत नाही आहे, ते इथे कार्यालयामध्ये येऊन आपलं ऑनलाईन काम करू शकतात। कामटीचे VKB न्यूज के लिए नितीन रावेकर की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।